الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إمام ईश्वर محبت सीधी सरकार आदम हजरत नबी के मेराज के हवाले से उसका मंजर कुछ यूं खींचते हैं, फरमाते हैं सरवरे ईश्वरे रिसालत वो सरवरे ईश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे वो सरवरे ईश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे नए निराले तलब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे नए निराले तलब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे और आगे फरमाते हैं तबारक अल्लाह शान तेरी तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को जेबा है बेनियाजी कहीं तो वो जोशी लंदरानी कहीं तकाजे विसाल के थे और हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मोहतरम, जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया शबे मेराज के हवाले से, इससे पहले कि मैं चंद बातें गोशे गुजार करूँ, लेकिन आइए जी लगा तो नहायत ही अदब एहतराम के साथ अकीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शहर यार इरम ताजदार करम अनीस बेकसाम और चारा सासे दर्दमंदा सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका व मौला अरवाहुना फिदा हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाज़ में बाबा से बल जी लगाकर दरूद शरीफ का हवाला पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मदी बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात आपने शबे मेराज जो हमसे रुसत हुई बड़ी बाबरकत बड़ी ही मोहतरम और मुअज़्ज़म शब जिसे हर आदमी चाहता है शबेदारी करके उसे गुजारे,
हर दिन आता है चला जाता है, हर रात आती है हमसे रुखसत हो जाती है। और ये एक साल का पीरियड जो अभी गुजरा है, रमजान बिल्कुल करीब है। गुज़िश्ता रमजान कोई इंसान उसे भूल नहीं सकता। जिन हालात में हमें रमजान शरीफ के मुकद्दस लम्हात को गुजारना पड़ा, वो बंदे मोमिन ही समझता है। एक समा होता है, शहर पहल आबादी में होती है, मस्जिदों और घरों में अजीब रौनक होती है, मगर गुज़िश्ता रमजान बड़े मुहतात अंदाज में हमें गुजारना पड़ा। दिल मचल रहा था कि मस्जिद में जाएं, मगर हालात ऐसे नाजुक थे कि पाबंदी थी आ नहीं सकती। बहरहाल वक्त की बरकत ऐसी खत्म हो गई है, और ये तो नबी ने हदीस में फरमाया, जैसे जैसे हालात पेश आएंगे उसकी पेशन गोई मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, और वक्त की बरकत उठ जाएगी, जिसका नतीजा आप देखते हैं। साल गुजर गए मगर एहसास नहीं हुआ, मगर हमें वो अहबाब जिस जो इस आबादी से ताल्लुक नहीं रखते कहीं और रहते हैं, जिस आबादी में वो लोग मुसलमान कसम पुरशी की जिंदगी गुजारते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बातिल का खौफ दिल पे छाया हुआ है। हमारी आबादी कम, बातिल की आबादी ज्यादा, तो जाहिर है जो ऐसे फिरका परस्त ताकतों के माहौल में घिरा होगा उसके दिन और रात कैसे गुजर रहे होंगे वो समझता है। हम बहुत इत्मीनान से हैं, कोई ऐसी परेशानी हमें नालायक नहीं है। महंगाई का रोना फला है ठिका है, पूरी कौम परेशान है, मगर हम रूहानी तौर पे मुसलमान परेशान है, क्योंकि निशाने पे सिर्फ हम हैं। महंगाई तो सबके लिए है, लेकिन असल टारगेट हमें बनाया जाता है और रूहानियत को खत्म करने की कोशिश की जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, न हर दिन एक जैसा होता है, न हर रात एक तरह होती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं और कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनका शिद्दत से बंदे मोमिन इंतजार करता है। जैसे अभी शबे मेराज रुखसत हुई, फिर शाबान में शबे बरात आने वाली है, रमजान शरीफ में लैलतुल कद्र आएगी। ये कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनका इंसान शिद्दत से इंतजार करता है, और जब ये रातें हमें मिलती हैं तो साल में कितने गुनाह किए रहता है, उसके दामन पे गुनाहों के कितने थपे लगे रहते हैं, जब ऐसी रात आती है तो उसे धोने की कोशिश करता है, शबेदारी करके, जिक्र अस्कार करके, अपने गुनाहों में नादिम होकर सच्ची तौबा करके साल के सारे गुनाहों को धोने की उसकी पूरी कोशिश होती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, इस हवाले से कुछ बातें आपने हुजूर मुफ्ती कर्नाटक से रात में समाअत फरमाई। मेरा रब इरशाद फरमाता है, सुभानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे खास को रात के एक मुख्तसर से हिस्से में। कहां से ले गए? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से कहां तक? इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा। ये मेराज का सफर शुरू हो रहा है। कुरान की आयतें
और मेराज की दलील कुरान में आयत को दलील है, मेरे नबी को मेराज हासिल हुई। ये जो जमीनी सफर हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये कुरान में जिक्र है। आगे का सफर अहादीस मुबारका अहादीस मशहूरा के अंदर उसका जिक्र है और कुरान की कुछ आयतें हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद मक्के की गलियों में जो 13 साल का अरसा गुजारा है ना, बड़ी तकलीफ से पुर, अजियतों से पुर। कितनी तकलीफ है ऐलान नबूवत के बाद नबी ने झेली है। मक्के के रहने वाले लोग जब मक्के की गलियों में नबी इस्लाम की दावत देते, दीन की दावत देते, पैगाम रखकर पहुंचाते, वहदानियत का सबक पढ़ाते, तो आपकी जात पे जुमले कसे जाते, फिक्रे कसे जाते थे, गालियां दी जाती थी नबी को। मेरा नबी गमगीन है। वो दिन माह रजब की 26 की तारीख है। दिन गुजरा, शब आई, 27वीं रात जैसे लगी। मेरे नबी गमगीन है। आज मक्के की गलियों में कोई इस्लाम नहीं लाया, वहदानियत का सबक पढ़ाया, हकानियत की दावत दी नबी ने मक्के की गलियों में, दीन फैलाने की कोशिश की, मगर आज कुफारों को शकीन ने आपकी जात पे फिक्रे कसे, जुमले कसे, गालियां दी गई, पत्थरों की बारिश की गई, रास्तों में कांटे डाले गए, कोई इस्लाम नहीं लाया। मेरे नबी मायूस होकर गमगीन होकर उम्मेहानी के घर आते। ये उम्मेहानी कौन है? हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बहन, आपकी जदादार हमशीरा है, मौलाए कायनात की बहन है। खिलाफे मामूल रोजाना नबी आराम फरमाते हैं तो काशाने नबी भी आराम फरमाते हैं, मगर आज मक्के की गलियों में जब मेरे नबी गमगीन हुए, मायूस हुए, कोई इस्लाम कबूल करने वाला नहीं है, मजनू कहा जा रहा है, गालियां दी गई, नबी मायूस होकर उम्मेहानी के घर आते हैं। उम्मेहानी से इजाजत ली, आराम फरमा हो गए। अल्लाहु अकबर। वही रजब की 27वीं शब है। रब अपना कुर्बे खास अता करना चाहता है अपने हबीब को। मेरा मौला अपने महबूब को अपने पास आज बुलाएगा, अपना दीदार कराएगा, और नबी अपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार करेंगे। जबकि दुनिया में रहते हुए रब का दीदार मुमकिन ही नहीं, किसी बशर की बस की बात नहीं है कि वो रब की ज़ियारत कर सके, रब का दीदार कर सके। वो रब जो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, मगर शबे मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ही माथे की निगाहों से रब का दीदार किया। एक बार नहीं, 9 मरतबा आते रहे, जाते रहे। एक मरतबा तो खुद तशरीफ ले गए रब के बुलाने से, मगर हजरत मूसा की फरमाइश पे मेरे नबी 9 मरतबा अलग से गए। 10 मरतबा आते रहे, जाते रहे, रब का दीदार करते रहे। क्या लज्जत हासिल हुई होगी, क्या कैफ खाया होगा, क्या सुरूर नबी को हासिल हुआ होगा। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी में बार बार इसरार किया, रोजे रखे, 40 दिन कोहे दूर पे रोजा रखा, नमाजें पढ़ी है, इत्काफ किया है, इसलिए रब का दीदार करने के लिए। अल्लाहु अकबर। रब तेरे अंदर ले, ऐ मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह है, जलीलुल कद्र पैगंबर है, रब की बारगाह में बार बार इसरार कर रहे हैं, मौला मुझे अपना दीदार करा दे, मैं तेरी लेखा का ख्वाहिश हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मगर मेरे रब ने फरमाया, ऐ मूसा लन तरानी, ऐ मूसा लन तरानी, लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं दिखाने पे कादिर हूँ, रब मेरा अला कुल्ले शैइन कदीर है। कहते वो
जागीर है, मगर मेरे रब ने इरशाद फरमाया मूसा तुम्हारे आंखों में वो कुव्वत नहीं है, वो बसारत नहीं है। मूसा तुम जलील उल कद्र पैगंबर जरूर हो, मगर तुम्हारी आंखों में वो सलाहियत नहीं है, वो बिनाई मेरा दीदार नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहि सलाम को रब ने जवाब इरशाद फरमाया लन तरानी तुम मुझे नहीं देख सकते, मगर एक तरफ महबूब उम्मे हानी के घर में बिस्तरे इस्तराहत पे आराम फरमा है, महवे खाब है, हर रात नबी उम्मत की याद में रोते हैं, सजदे पे सजदा करते हैं, कयाम पे कयाम करते हैं, मगर आज उम्मे हानी के घर बिस्तरे इस्तराहत पे आराम फरमा है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील मेरा महबूब बहुत गमगीन है, आज मक्के की गलियों में किसी ने दीन को कबूल नहीं किया, उनके हक पैगाम को कबूल नहीं किया, हक्कानियत की दावत थी, इस्लाम की दावत थी, मगर किसी ने कबूल नहीं किया। जिब्राइल जाओ मेरा महबूब गमगीन है, मेरे महबूब को बेदार करो और मेरा पैगाम सुनाओ, आपका रब या रसूल अल्लाह आपको सलाम पेश करता है, आपकी लिका का ख्वाहिशमंद है, इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, जाओ जिब्रील मेरा पैगाम मेरे महबूब को पहुंचा दो कि आपका रब आपकी दीदार का मुश्ताक है, आपकी लिका का मुलाकात का मुश्ताक है। अल्लाहु अकबर। जिब्रील है और सिर्फ तन्हा जिब्रील नहीं आए, मिकाइल भी साथ में है, इसराफील भी है, और सिर्फ इतना ही नहीं मलाए आला के रब ने हुक्म दिया 70,000 फरिश्तों की बारात जिब्रील ले लो, 70,000 फरिश्तों का मजमा है, एक जुलूस की शक्ल तैयार किया हुआ है, बाराती 70,000 मलाइका है, नूरी बशर है, नूरी मखलूक। अल्लाहु अकबर। जिब्रील इस माके दाने गीती पे मक्के की सरजमीन पे नाजिल होते हैं, 70,000 मलाइका है। अल्लाहु अकबर। काशाने उम्महानी है, उम्महानी के घर का इहाता किए हुए है, इधर से जाए दरवाजा बंद है, मुफस्सरीन कहते हैं दरवाजे से नहीं जिब्रील आते हैं बल्कि छत को शक करते हैं, छत को चीरते हैं, छत के रास्ते से जिब्रील बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हैं, नजर पड़ी आका आराम फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जिब्रील जैसा सबसे बड़ा फरिश्ता जो सैयदुल मलाइका है मगर हैरानों परेशान है, सशक्त पंज की कैफियतकारी है, महबूब आराम फरमा रहे हैं, इन्हें बेदार कैसे किया जाए, कोई बेअदबी ना हो जाए, तादीब में कमी ना आ जाए, दखलंदाजी ना हो जाए, कहीं महबूब के दिल को मेरा जगाना अगर पसंद नहीं आया और खलल वाकई हो गया, तादीब में कोई कमी आ गई, बेअदबी हो गई, गुस्ताखी हो गई, तो इतना अजीम फरिश्ता जो फरिश्तों का सरदार है सैयदुल मलाइका बजा लाने के लिए हैरानों परेशान है, शशोपंज में है, महबूब को कैसे जगाएं, महबूब के तलवे नाज को मस करें, या पेशानी मुबारक को छुएं, या दस्ते मुबारक को अपना हाथ लगाए, कैसे बेदार करें, इन्हें कैसे जगाया जाए, कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है। शशोपंज की कैफियत अल्लाहु अकबर। मगर शबे मेराज जिब्राइल ने जहां ये कैफियत उनके ऊपर तारी थी, मेरे रब ने हुक्म दिया ऐ जिब्राइल क्यों परेशान हो, शशोपंज की कैफियत के शिकार हो, ऐ जिब्राइल मैंने तुम्हें ये काफूरी होंठ किस लिए दिए हैं, ये काफूरी आंखें किस लिए दिए हैं, काफूर की तासीर ठंडक होती है, ठंडी होती है। अल्लाहु अकबर। मेरा महबूब आराम फरमा है, तलवे नाज से मेरे महबूब के तलवे मुबारका से उनके पदमे नाज से अपने काफूरी होंठ लगा दो, ठंडक महसूस करेगा मेरा महबूब, होशियार हो जाएगा, बेदार हो जाएगा, महबूब की आंखें खुलेगी कि किस दिन रात काम आएगी, तुम्हारी काफूरी आंखें ये काफूरी होंठ किस लिए मैंने दिए हैं। अल्लाहु अकबर। कहां जिब्राइल का वो मुकद्दस होंठ है, वो काफूरी आंखें हैं, कहां महबूब के तलवे नाज हैं, कदमे नाज हैं, एक तरफ फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका उनकी पेशानी है और महबूब का तलवा है। अल्लाहु अकबर। एक समझने वाला बंदा ये होगी जो नबी की मोहब्बत में करता है, जो नबी की मोहब्बत में जीता है, वो नबी का मकाम मर्तबा इसी शरे में राज से अच्छी तरह वाकिफ हो
हो सकता है। सैयदुल मलाइका अपना मुबारक होंठ अपने काफूरी होंठ को नबी के तलवे से लगाते हैं। आलम ये है, आंख खुली है, बेदार तो हुए मगर करवट लेके फिर नबी सो जाते हैं। अल्लाह अकबर, हर रात शब बेदारी कर रहे हैं। काफूरी ठंडक महसूस हुई, नबी बेदार हुए मगर करवट बदल के फिर सो गए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी काफूरी होठों को दूसरे कदमे नाज से मस किया है, टच किया है। मेरे नबी बेदार होते हैं, बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, आने का मकसद क्या है, क्या बात है, किस लिए आए हो? जिब्रील ने रब का पैगाम सुनाया, ए महबूब, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, ए महबूब, या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात से मुशर्रफ होना चाहता है, रब आपकी दीदार और लिका का मुश्ताक है, इसने अपने कुर्बे खास में आपको बुलाया है। अल्लाह अकबर, जिब्रील शबे मेराज ये भी सोच रहे हैं। आप अंदाजा फरमाओ, रजब की 27वीं शब है, बिल्कुल तारीख रात, अंधेरी रात, कुछ भी रोशनी नहीं होती, ऐसी तारीख रात का रब ने इंतखाब किया। जिब्रील फरमाते हैं, एक हाथ को दूसरा हाथ नजर नहीं आता, इतनी तारीख रात जब दुनिया तारीकियों में समा जाती है, अंधेरी में अंधेरा छा जाता है, ऐसी रात का आखिर रब ने क्यों इंतखाब किया, क्या वजह है? एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं नजर आता, एक इंसान दूसरे इंसान के चेहरे को, उसके वजूद को उस तारीख रात में नहीं देख सकता, और ऐसी रात में होना तो ये चाहिए था, कुल्दे बरी की शमा रोशन होती, जन्नती दिलदील रोशन होते, चारों तरफ जगमगाहट होती, एक समा होता, ऐसे माहौल में जिब्रील को भेजता मेरा रब, मेरे महबूब को लामका में पहुंचाओ, मेरे कुर्बे खास में पहुंचाओ, मगर ये सब कुछ नहीं है। ये सारी बातें जिब्रील के जहन में चल रही है। कुल्दे बरी की शमा रोशन होती, जन्नती दिलदीलें रोशन होती, ऐसे माहौल में नबी को बुलाया जाता, मगर मेरे रब ने जिब्रील के जहन को बुलाया फरमाया, ऐ जिब्रील, किस फिक्र में डूबे हुए हो? अरे आफ्ताब के सामने चिराग ले जाने की जरूरत क्या है? ये कुल्दे बरी की शमा, ये रोशनी करने की जरूरत क्या है? ले जाने की जरूरत क्या है? मेरा महबूब तो आफ्ताब है, मेरा महबूब ऐसा आफ्ताब है, ऐ जिब्रील, तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने अपने महबूब के अपनी सिफते गैरत के 70,000 जिब्राइल, उन 70,000 पर्दों में से एक पर्दा रुके मुस्तफा से हटा दो, सारा आलम जगमगा उठेगा, सारा आलम मनोहर हो जाएगा। इन दिलों की क्या जरूरत है, चिराग की क्या जरूरत है, उनके बरी की क्षमा की क्या जरूरत है? मैंने तो ऐसी नूरानियत अपने महबूब को अता की है। जिब्राइल, सिर्फ एक पर्दा हटाओगे पूरी कायनात जगमगा का उठेगी, तुम्हें मालूम नहीं है इतनी रोशनी मैंने अता की है, क्या चमक और दमक अता की है, क्या दावानी नबी को अता की है। अल्लाह अकबर, नबी बेदार होते हैं, मेरा रब हजरत जिब्रील ने रब का पैगाम सुनाया, सवारी हाजिर है, 70,000 मलाइका की बारात की शक्ल में फरिश्तों की जमात हाजिर है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी इससे पहले की बुराक पे वो जो जन्नती सवारी, उसका कदम वहां पड़ता था जहां पे उसकी निगाहों की रोशनी खत्म होती थी, एक कदम वो बुराक नामी सवारी का वहां पड़ रहा है जहां उसके निगाहों की रोशनी खत्म होती है। अल्लाह अकबर, उसकी तेज रफ्तारी का कोई मोमिन अंदाजा ही नहीं लगा सकता है, सोच भी नहीं सकता है कि कैसी सवारी का रब ने इंतखाब फरमाया, बारगाह मुस्तफा में हाजिर है। अल्लाह अकबर, इससे पहले कि मेरे नबी उस बुराक नामी सवारी पे जलवागर हो तशरीफ रखे, मगर तवक्कुफ फरमाया, चंद लम्हों के लिए नबी ठहर गए, रुक गए, सरे मुबारका को झुकाया और फिक्र में डूब गए, और जब जिब्रील की आंखों ने देखा, नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, बारगाह रब में अर्ज किया, ऐ अरीजा पेश किया, ऐ मौला, तेरा महबूब, तेरे महबूब की आंखों से आंसू रवा रवा है, ये खुशी के मौके पे रोना कैसा, आखिर वजह क्या है? मेरे रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील, महबूब से पूछो, आपका रब आपके दीदार का मुश्ताक है, आपकी निगाह का मुश्ताक है,
ऐसे मौके पे ये आंसू कैसे है, ये रोना कैसा है? अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, यकीनन रब मेरी दीदार का मुश्ताक है, लेकिन आज मुझे अपनी कमजोर उम्मत की याद आ रही है, मुझे अपने अपने यार उम्मतियों की फिक्र सता रही है। अल्लाह अकबर, आज दमे धड़कन में एक लम्हे में मेरा रब मुझे अपने पास बुलाएगा, जन्नत दोजख की सैर कराएगा, अर्शे मकाम लामकाम की सैर कराएगा, जन्नत की मैं सैर करूंगा, सातों आसमानों को देखूंगा, तमाम अंबियाए किराम से मुलाकात मेरी होगी, ये सब कुछ एक लम्हे में पलक झपकते मेरा रब ये फासला तय करा देगा, मगर कल बरोजे महशर वो 50,000 बरस का पुलसराज का रास्ता, जब मेरी नहीं तो ना तबा उम्मत, मेरी गुनहगार उम्मत अपने गुनाहों का बोझ अपने कंधे पर लेकर 50,000 बरस पुलसराज का जो रास्ता है वो रास्ता कैसे तय करेगी, वो फासला कैसे तय करेगी? इंसान आज दुनिया के अंदर गुनाहों में डूबा हुआ है, मासियत में मासियत कर रहा है, जुर्म में जुर्म कर रहा है, गुनाह पे गुनाह बोल रहा है, अपने ही मुसलमान भाई को अपना मुसलमान भाई धोखा दे रहा है, फरार कर रहा है, पैर फरोख में पैर सेना में धोखा देने की कोशिशें कर रहा है, दुनियावी तरक्की हासिल करने के लिए खरीदो फरोख सही नहीं कर रहा है, कारोबार सही नहीं कर रहा है, सब कुछ झूठ पे मुल्तवी कर रखा है, कुछ भी उसे आखिरत की फिक्र नहीं है। ए जिब्राइल, मुझे अपने गुनहगार उम्मतियों को फिक्र सता रही है, कल बरोज़े महशर जिसके नामे आमाल में इतने गुनाह होंगे, तेरा उम्मती पुलसिरात से इन गुनाहों के साथ कैसे गुजरेगा? अल्लाह अकबर, नबी ये सोच रहे हैं, मगर मेरे रब ने इरशाद फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो उम्मत की फिक्र न करे, उम्मत के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे रब ने शबे में राज ये बशारत अता फरमा दी, ए जिब्राइल महबूब से कह दो जो उम्मती आपका नबी के फरमुदात पे अमल करेगा उनका मदीनो फरमा बरदार होगा, आपके मिशन को फैलाने की कोशिश करेगा, दीनदारी जिसके अंदर होगी, जो आपकी इतारो फरमा बरदारी में बन रहे होंगे, नबी की इतारो फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारेगा, ए जिब्राइल महबूब को बशारत दे दो जिस तरह आज मैं दमेल जदन में एक लम्हे में इतना अजीब सफर आपको करा रहा हूँ, अल्लाह अकबर, कल बरोज़े महशर जो आपका मती जो फरमाबरदार बंदा होगा उम्मती होगा, कल पुलसिराज से मैं एक लम्हे में पुलसिराज जैसा अजीब पुल ही पार करा दूंगा, ये सफर भी दमेल जदन में मैं उसे पार करा दूंगा, आपकी उम्मतियों के बारे में आप फिक्र न करें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इमाम इश्क मोहब्बत ने बिछाए तो पर को खबर न हो, ये अजीब बशारत अता फरमाई है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी हर नाजुक मौके पे अपने गुनहगार उम्मतियों को देख रहे हैं, उनका ख्याल आ रहा है, मेरे उम्मती जो गुनहगार होंगे नहीफो नातवा कमजोर होंगे, उलझा पुलसिराज से गुजर वैसा होगा, मगर शबे मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया, और ये जमीनी सफर जो हुआ है, जन्नती सवारी बुराक पे नबी तशरीफ फरमा होते हैं, अब बुराक में मुफस्सरीन फरमाते हैं एक बड़ी अजीब सवारी, जब मेरे नबी तशरीफ फरमा होने लगे तो बुराक शोकी करने लगा, मोहब्बत में नाफरमानी से नहीं, मोहब्बत में खुशी से उछलने लगा, अपनी सादत मंदी पे नाश करने लगा, फख्र करने लगा अपने नसीबे पे कि आज मेरी पुश्त पे कोई और नहीं सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा होंगे, इस खुशी में बुराक मचलने लगा, शोखी करने लगा। अल्लाह अकबर, जिब्रील ने कहा ए बुराक, तुम्हें मालूम नहीं है आज तुम्हारे ऊपर सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा होने वाले है। बुराक ठहर गया और बुराक ने कहा ए जिब्राइल, आज ही तो मेरी एक तमन्ना है, मेरी भी एक आरजू है, मेरी भी एक ख्वाहिश है, ये नबी है, नबी की बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता, मैं भी कुछ इस बारगाह से लेना चाहता हूँ, जिस तरह आज शबे मेराज मेरा इंतखाब किया गया है,
कल बरोजे मंशर जब जन्नत में चंद सवारियां होंगी उनका इंतजार किया जाएगा। ऐ जिब्राइल मैं ये सोच रहा हूँ, इसलिए मैं शोकी कर रहा हूँ जिस तरह आज तुमने मेरा इंतजार किया है जन्नती सवारी के लिए, बुराक नामी सवारी का इंतजार हुआ है, कल बरोजे मंशर नबी को जब जन्नत में जाना हो तो मेरा ही इंतजार हो, मेरी ये आयु है उस मौके में भी नबी मेरे ऊपर तशरीफ फरमा हो और मैं नबी को जन्नत में लेके जाऊं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आप अंदाजा फरमाएं ये जमीनी सफर से शुरू हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मैं इसी मौके पे क्योंकि गुज़श्ता जुमा ये बात हुई थी गर्मियों के मौसम में ऊपर की मंजिल पे खुले आसमान में जो लोग जुमा पढ़ते हैं जाहिर है शिद्दत हरारत बड़ी तेजी की होती है या कभी बरसात के मौसम में शबाब बाहर भी रहते हैं परेशानियां होती हैं। इसी के पेशे नज़र इंतजामिया कमेटी ने ये सोचा कि मोहर रमजान से पहले